अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने बेटे की 11th बर्थडे का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। हम लोग आए हुए डॉलर ट्री और विंटर ट्रिप से पहले हम आए थे, और यहाँ पर पिनियाटा के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो मेरी बेटी ने लेनी थी, डेकोरेशंस का सामान। तो हमेशा वही सेट करती है ये सब चीज़ें, डेकोरेशंस और लेना सजाना ये सब काम उसका होता है। तो वो बस अभी सारी चीज़ें जो थी वो हम लोग इकट्ठी कर रहे थे, क्योंकि विंटर ट्रिप से आने के एग्जैक्ट एक दिन बाद मेरे बेटे की बर्थडे थी, तो इसलिए टाइम नहीं था हमारे पास ज़्यादा। तो बस यहाँ पर ये शॉपिंग वगैरह जो थी वो चल रही थी, और इंटर स्टेट थीम जो थी ना वो हमने रखी हुई थी, और रूट 11 का थोड़ा थीम था, क्योंकि मेरे बेटे को हाईवेज में बहुत इंटरेस्ट है। तो 11 साल का हो रहा था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, वो खुश भी हो जाएगा, और थोड़ा डिफरेंट सी यूनिक सी थीम जो है वो हम निकालेंगे। तो बस जी यहाँ पर शॉपिंग वगैरह हो गई थी। पिनियाटा में आपको पता है कैंडीज़ वगैरह भी रखनी होती हैं, तो बस ये सब सामान हो गया, बैलून्स हो गए, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए चेकआउट करने। तो विंटर ट्रिप जो था उस पर हम लोग चले गए। नेक्स्ट डे आए तो ये देखें जी, मेरी बेटी इस वक्त सुबह से सारे बलून्स वगैरह फुला रही है। प्रेसिडेंट डे की छुट्टी भी थी, तो यहाँ पर ये बलून्स हैं जो उसने सारे इस तरह से डेकोरेट करके रखे हुए थे। रेड ब्लू और वाइट कलर की थीम है। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि हमें जाना है एक रेस्टोरेंट में ब्रंच के लिए, और मेरे देव देवरानी वगैरह ने भी आना था, जो मेरा बेटा है मुस्तफ़ा उसको विश करने के लिए। तो बस जी हमने कहा चलो पहले उनके साथ डिनर कर लेंगे और फिर घर आके बाकी की चीज़ें हो जाएंगी। तो ये देखें जी, जीन्स की पैंट मैंने निकाल ली, और साथ में ये मेरे पास रेड एंड वाइट एक टॉप थी वेलवेट की, ये मैंने निकाल ली, तो पूरा थीम से मैच हो गया ना। तो इसी तरह मेरी बेटी के पास भी एक मैक्सी फ्रॉक था जो मेरी भांजी ने उसे गिफ्ट किया था, तो वो उसमें भी रेड ब्लू और इसी तरह से ना वाइट कलर है, तो उसने पहन लिया। और मैं अपने बेटे को भी उसी तरह की थीम के कलर के कपड़े जो थे वो पहना दिए थे। तो बस जी यहाँ पे ये देखें जी, बैकड्रॉप स्टैंड रेडी हो गया, और उस पर रोड बनाई हुई है, मेरी बेटी ने सारा मेहनत करके सेट किया। और अब हम लोग निकल रहे हैं, और 20 मिनट की ड्राइव है जहाँ पर हमने जाना है रेस्टोरेंट में। तो बस जी अभी हम लोग पहुँच रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने कार वॉश करवाई, क्योंकि एक दिन पहले हम टूर से आए हुए थे, तो हमारी गाड़ी जो थी वो ज़ाहिर विंटर ट्रिप था, स्नो थी, तो गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है स्नो के बाद। तो हमने कहा चलो पहले कार वॉश करवा लेते हैं, और ये ऑटोमेटिक कार वॉश होता है तो इसकी बड़ी आसानी होती है, और अगर आप मेंबरशिप ले लो तो आप जब मर्ज़ी जाके गाड़ी जो है वो वॉश करवा सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देवर के घर आ गए, और ये इनविटेशन के कुछ कार्ड्स से थे जो मेरी बेटी ने बनाए हुए थे उनको देने के लिए। तो पहले तो मौका नहीं मिल सका, क्योंकि टूर की तैयारी और इन सब चीज़ों में इतना बिजी थे। तो बस अभी ही इनविटेशन दिया जा रहा है, जबकि इनवाइट वैसे है, सब कुछ है, लेकिन ये कार्ड्स जो है ना ये अभी दिए गए थे। तो बस ये उन लोगों के साथ फिर अब हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग पहुँच गए हैं एडीज़ बारबेक्यू। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं वो करेंगे डिनर, तो अर्ली है थोड़ा सा, लेकिन यही बात है कि अगले दिन बच्चों का स्कूल भी है, तो हमें थके हर काम जो है वो टाइम से हो जाएगा। तो बस अब अंदर जाने की तैयारी हो रही है, पहुंच तो हम लोग इकट्ठे ही गए थे। तो बस सबसे पहले तो मैं एंटर होके वीडियो बनाने लग गई रेस्टोरेंट की, तो मैंने कहा चलो जी अभी थोड़ा खाली खाली सा है तो मैं जल्दी जल्दी जो है वो कवर कर लूँ। और अब जो देवर की फैमिली है वो भी यहाँ पर आ गई हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है इधर, और अभी ये लोग मिल रही थी मैं इनसे, और इसी तरह से था कि अब हम ऑर्डर प्लेस कर लेंगे जो भी चॉइस का होगा उसके हिसाब से। तो अभी ये देखें जी, छोटी बहनें जो हैं वो भाई को बर्थडे का गिफ्ट दे रही हैं, और अब हम लोग बैठ रहे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो जी पूछो सबसे क्या खाना है, तो हम वो लोग ऑर्डर करें, क्योंकि यहाँ के विंग स्टेक्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोग जो हैं पहले खा चुके हैं यहाँ से 2 दफ़ा, तो अब हमने कहा था कि चलो आप जो जिसकी चॉइस है उस हिसाब से ऑर्डर जो है वो प्लेस कर लिया जाए। तो फाइनली हमारा ऑर्डर जो है वो आ गया है। इस तरह से ट्रॉली में इन्होंने सर्विंग की है, और सर्विंग स्टाइल भी इनका बहुत अच्छा है, और इनके जो आइटम्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ये एडिसन में है एडीज़ बारबेक्यू के नाम से, तो ज़रूर इनका ट्राई कीजिए अगर आप न्यू जर्सी में रहते हैं तो। तो बस जी यहाँ पर सबके इंडिविजुअल ऑर्डर्स थे, और सर्विंग इनकी बहुत अच्छी थी कि अगर हम एक भी मंगाएं तो 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। तो ये विंग्स इनके गार्लिक विंग्स बहुत मज़े के होते हैं, हमने मसाला विंग्स और गार्लिक विंग्स मंगाए, फिर वो तो कॉमन थे सबके लिए, और उसके अलावा जो भी किसी का इंडिविजुअल ऑर्डर था
वो था। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, सब ने बहुत इंजॉय किया। और अब हम लोग रास्ते से केक पिक करेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे, केक काटेंगे और बाकी बहुत कुछ करेंगे भी, आप देखिएगा। तो जी, कोल्ड स्टोन हमने ब्रेक लगाई है क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसका आइसक्रीम केक बहुत शौक से खाते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये देखिए जी, हैप्पी बर्थडे मुस्तफ़ा के नाम से ये केक है और ये ले लिया है। तो बस जी, उसके बाद घर आके घर में बच्चियाँ जो हैं वो बलून से प्ले कर रही थी। और ये रूट 11 का पिनियाटा मेरी बेटी ने इतनी मेहनत से बनाया था, आप देखें कि इस पर कितनी मेहनत की गई है। और ये प्रिंट्स मेरे हस्बैंड ने निकाले थे जो उसने इसमें लगाए हुए हैं। और अब इसमें कैंडीज भी फिलअप हो गई हैं और इसके साथ अब बच्चे जो हैं वो पिनियाटा को फाड़ने का काम करेंगे। तो अब साथ में हैप्पी बर्थडे के जो सॉन्ग्स हैं वो टीवी पर लगे हुए थे और सब इंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए जी, पिनियाटा के लिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने एक स्ट्रिंग रोप जो होती है ना, रोप लगा लें या कोई जिस तरह से इनके पास ये बेल्ट थी वो कर लिया था। और अब बच्चे जो है ना वो बारी बारी इसको 5 times जो हैं वो इस तरह से स्टिक्स की मदद से फाड़ने की कोशिश करेंगे। फाइनली इस तरह से हो गया और अब कैंडीज़ फिर झपटा झपटी शुरू हो गई थी और छोटी बच्चियाँ तो हैरान ही रह गई थी कि ये क्या हुआ है। बहरहाल बाद में वो इतनी खुश थी कि हैप्पी बर्थडे सॉन्ग पे खूब झूमी। तो बस इस तरह से हो गया था और केक सेडी मनी हो गई बाद में। तो मैंने कह दी और उसके बाद फिर केक डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।